हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। तो आज 23 जनवरी पराक्रम दिवस यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिवस है। नेताजी ने हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में इमेंसली कंट्रीब्यूट किया है और उनके फ्रीडम स्ट्रगल के अचीवमेंट्स की पब्लिक डोमेन में काफ़ी बात हुई है। पर आज इस वीडियो में हम उनके नेशन बिल्डिंग के अचीवमेंट के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ हाउ नेताजी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द इंडिया ऑफ 2022। प्लानिंग कमीशन का नाम तो हम सब ने सुना होगा। प्लानिंग कमीशन, जिसे आज नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, वॉज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ नेताजी। बैक इन 1938, जब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, तब उन्होंने नेशनल प्लानिंग कमेटी फॉर्म करी और उसका प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू को बनाया। ही हैड दिस आइडिया ऑफ रूडोमेंट्री इकोनॉमिक प्लानिंग, जो कि यूनियन गवर्नमेंट से अथॉरिटी डिराइव करती हो, एंड दैट विल इनेबल द सेंट्रलाइज प्लानिंग ऑफ इकोनॉमी। द गोल वॉज टू इंडस्ट्रियलाइज इंडिया with rapid pace, enabling economic growth and eliminating poverty. Women in army. Recently हमने देखा कि कैसे इंडियन आर्मी के अंदर वुमेन परमानेंट कमीशन के फेवर में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई, और साथ ही नेशनल डिफेंस अकेडमी, जो कि इंडिया का प्रीमियर डिफेंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ भी गर्ल्स को एंट्री दी गई। पर कई लोगों को ये नहीं पता कि नेताजी की INA में रानी झांसी रेजिमेंट थी, जिसका फॉर्मेशन 1942 में हुआ था और जहां वुमेन को कॉम्बैट रोल्स तक दिए गए। और इस रेजिमेंट को उस समय कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन द्वारा लीड किया गया था। और ये हमें यही बताता है कि व्हेन इट कम्स टू वुमेन एम्पावरमेंट, नेताजी वॉज वे अहेड ऑफ हिज टाइम। क्योंकि उनका मानना था कि महिलाओं का कर्तव्य सिर्फ अपने परिवार के प्रति नहीं, बल्कि अपने देश के प्रति भी बराबर का होना चाहिए। कदम कदम बढ़ाया जा सॉन्ग, इंडियन मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड में हम सब ने ये गाना तो ज़रूर सुना होगा, और इस गाने में IMA के जेंटलमैन कैडेट्स को मार्च करते हुए भी देखा होगा। दिस सॉन्ग वॉज द क्विक मार्च सॉन्ग ऑफ नेताजीज इंडियन नेशनल आर्मी, और ये गाना ब्रिटिशर्स को इतना बुरा लगा कि उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस गाने को बैन कर दिया। और इस गाने का इम्पैक्ट आज भी इतना है कि जब यह गाना परेड ग्राउंड में बजता है तो सारे जवानों और देशवासियों को गर्व से भर देता है। जय हिंद। जय हिंद का नारा पूरे देश तक पहुंचाने वाले भी सुभाष चंद्र बोस ही थे। 1941 में जैन उल अबिदीन, जो कि INA में एक मेजर थे, उन्होंने इसे कॉइन करा था, और नेताजी ने खुशी खुशी इसे एक्सेप्ट करके अपनी आर्मी का स्लोगन बना दिया। INA के 1946 के ट्रायल्स के दौरान इस नारे को लाल किले से बोला गया, और वहाँ इसको पूरे देश ने सुना और अडॉप्ट किया, और आज जय हिंद पूरे देश को यूनिफाई करने वाला एक नारा बन चुका है। आजाद हिंद, द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कई लोगों को यह बात नहीं पता कि अक्टूबर 1943 में नेताजी ने सिंगापुर में आजाद हिंद यानी प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया को एस्टैब्लिश किया, जिसे हेड नेताजी ने खुद एज अ सुप्रीम कमांडर किया था। एंड दिस प्रोविजनल गवर्नमेंट बिकेम इंस्ट्रूमेंटल टू INA's वॉर एफर्ट, and that is why some supporters of Netaji claim that he was the first Prime Minister of India. The importance of hard power. India को हमेशा से ही गांधीवाद और अहिंसावाद का देश माना गया है, लेकिन नेताजी को हार्ड पावर की इम्पोर्टेंस पता थी, और ये भी पता था कि बिना हार्ड पावर, बिना मिलिट्री स्ट्रेंथ जो आज़ादी मिलती भी है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकती। और हमें ऐसा देखने को भी मिला जब आज़ादी मिलने के बाद ही पहले पाकिस्तान और फिर चाइना ने हम पर 1947 और 1962 में वॉर डिक्लेयर कर दी। पर इन इवेंट्स के बाद इंडियन एस्टैब्लिशमेंट के रूल्स चेंज हुए, और जिसका फायदा हमें 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में जाकर मिला। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आर ट्रू इंस्पिरेशन फॉर द अपकमिंग जनरेशन। हमारी इंडिपेंडेंस की लड़ाई में बहुत लोगों ने काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूट किया, बहुत से सेक्रीफाइसिस करे, कई लोगों ने अपनी जान तक गवा दी। नेताजी ने भी अपना पूरा जीवन हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए समर्पित कर दिया था। ही वॉज अ ट्रू लीडर एंड अ पेट्रियट हु इंस्पायर्ड अ होल सेट ऑफ जनरेशंस। अपने कॉलेज के अर्ली डेज में भी उन्होंने यूथ और स्टूडेंट्स का जो पोटेंशियल है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कंट्रीज को लेके, उन्हें रियलाइज करा, और साथ ही एक सक्सेसफुल लीडर जो कि कास्ट, रिलीजन, कम्युनिटी की पॉलिटिक्स से ऊपर हो सकता है, वो बनकर दिखाया। एंड व्हेन यू रीड अबाउट हिम और रीड हिज ओन वर्क, you will definitely feel inspired by his life, actions and thoughts. So Jai Hind guys, see you in the next video.